में पाक अलायंस फॉर मैथ्स एंड साइंस की तरफ से जो आज का जो हमारा स्टेम कंपटीशन चल रहा है दो हफ्तों से, आज का जो सेशन है हमारा उसमें हमारे पास मुख्तलिफ स्टेम कम्युनिकेटर्स हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा लेट हो गया, सो मैं फोन से स्टार्ट करना चाहूंगी। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं जो कि ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी के एक बहुत कलीदी मेंबर हैं, सो मैं चाहूंगी कि बगैर किसी देर के डॉक्टर साहब जो भी हमारे साथ कोई अपने विजडम शेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सो ओवर टू यू डॉक्टर मुस्तफ़ा। पाक अलायंस स्पेशली, आई मीन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आप लोगों का। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इतना जबरदस्त किस्म का इवेंट जो है उसको मुमकिन बनाया। इट्स नॉट एन इजी जॉब एन इजी टास्क टू कनेक्ट ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, सो इट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइस एंड थैंक यू सर। काइंडली आप मुझे कंफर्म कर लेंगे अगर आपको शेयर स्क्रीन करने की? इट्स डन नाउ, आई कैन शेयर नाउ। थैंक यू सर। ओके, because I have prepared some small little PPT just for our audience. mera khayal hai, mera gumaan hai, jo main participants ke naam dekh pa raha hu, I can guess and predict ke ye log jo hain ye mere samne school ke teachers hain, am I right? aap mujhe thodi help karenge ye verify karne mein ki main jin logo se baat kar raha hu mainly ye school teachers hain, am I right? okay, aap log chat mein bhi mujhe confirm kar sakte hain। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं भी आप ही लोग आप ही की तरह का एक छोटा सा टीचर हूँ, और मेरी जो मेरे बारे में जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो आप गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा लिख दीजिएगा या डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा लिख दीजिएगा, यू विल बी एबल टू गेट मी कि मैं आप लोगों के साथ या मैं क्या हूँ, वो मैंने क्या किया है। इस वक्त ये मैटर नहीं करता, इस वक्त ये मैटर करता है कि हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ से क्या सीख कर वापस जाते हैं, हम किस तरह की बातों को समझ के सीख के इस एक्टिविटी से बाहर निकलते हैं और वापस अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने तालिबिलों के लिए क्या मैसेज जो है वो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो लेकर जाते हैं। तो मैं जल्दी आपके साथ टू द पॉइंट चीजों को शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस बारे में मजीद जानना है मेरी टॉक के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको मजीद जो है रहनुमाई जो है वो हासिल करने की जरूरत है या मजीद सवाल जवाब करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तो पाक अलायंस वालों से रब्ता कीजिए, जरूर कीजिए, मेरे साथ रब्ता कीजिए, ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी वालों से रब्ता कीजिए, और चीजों को सीख कर आगे डिसेमिनेट तलबा तक पहुंचाने के लिए एक हम इकट्ठी एफर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपको बताने के लिए कि दरअसल ये लफ्ज़ जो स्टेम है बेसिकली इसके पीछे थीम क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये जो स्टेम है ना बेसिकली ये चार पांच अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने का नाम है। शुरू शुरू में शायद ये था भी ऐसा कि ये साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ये जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ये हमारी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बड़े बुनियादी तौर पर अहम जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें से हम किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते, इनमें से हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम किसी बच्चे को रेस कर रहे होते हैं, जब हम किसी तालिब इल्म का दिमाग जो है वो बनने में उसकी मदद कर रहे होते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना कि इन सारे सब्जेक्ट्स को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे मिलाया जा सकता है और कैसे तालिब इल्मों के अंदर जो शऊर पैदा किया जा सकता है तो वो इन सारी टेक्नोलॉजीज को एक ही वक्त में इस्तेमाल करके अपने लिए नया इल्म जो है वो बना सके और तख्लीक कर सके। तो ये शुरू में तो एक सब्जेक्ट्स के तौर पे सामने आया, पांच चार पांच सब्जेक्ट्स के नाम को उस टाइम बोला जाता था, लेकिन आज की दुनिया में ये एक पूरी साइंस है, ये एक पूरा तरीकाकार है और आसान जुबान में ये एक तरीका तदरीस है, ये पढ़ाने का एक तरीका है जो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि हम ऐसे तालिब इल्म पैदा कर सके जो मेरे से बेहतर हों, हम ऐसे स्टूडेंट्स बना सके जो मेरे से अच्छे हों, जो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हों। याद रखें कि इसका मकसद तालिब इल्मों के जहनों में जो बाउंड्रीज है ना इल्म की, उन बाउंड्रीज को ब्रेक करना है या आपने और मैंने मिलकर करना है। मिसाल के तौर पर जब फिजिक्स की क्लास में या साइंस की क्लास में जब हम किसी तालिब इल्म को पढ़ा रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो तालिब इल्म आप ऐसी बात पूछना चाहे या ऐसी बात के बारे में सवाल करना चाहे जिसका ताल्लुक किसी और मजमून के साथ हो, तो हमें तालिब इल्मों के अंदर ये शऊर पैदा करना है कि अपनी बाउंड्री से बाहर सवाल करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। फिजिक्स की क्लास में कोई केमिस्ट्री का सवाल किया जा सकता है, केमिस्ट्री की क्लास में कोई बायोलॉजी का सवाल किया जा सकता है, किसी सितारे के बारे में पूछा जा सकता है, कहकशाओं के बारे में पूछा जा सकता है, चांद के आने और जाने के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें अपने तालिब इल्मों के जहनों में सबसे पहले ये चीज इंस्टॉल करनी है कि मजमून जो है उनके दरमियान में कोई हदूदो कयूद नहीं होती, क्योंकि नॉलेज के दरमियान में कोई हदूदो कयूद नहीं होती। जिंदगी में जब इन तालिब इल्मों ने आगे जाके जिंदगी गुजारनी है तो उसके अंदर ये चीज फैसला नहीं करती कि आप किस चीज के माहिर हैं और किस चीज के नहीं है, क्योंकि जिंदगी के तमाम सवाल हर मजामीन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अपने तालिब इल्मों के दिमाग में ये बाउंड्री बनाना जो है वो गैर मुनासिब है, आज हम जानते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरीका नहीं। दूसरी बात ये कि जब तालिब इल्मों को हमें मदद करनी चाहिए सवालात पूछने के,
इल्म को हासिल करने का ये पहले से बेहतर तरीका है कि अगर हम अपने तालिबे इल्मों को जवाबात की बजाय उनको सवालात पूछना सिखाएं। याद रखें, कोई भी जो जवाब होता है ये किसी भी एक चीज का हल होता है, लेकिन जो सवालात होते हैं ये तालिबे इल्म को बहुत सारे मसाइल को हल करने में मदद देते हैं। तो बजाय इसके कि तालिबे इल्मों के दिमाग में या उनके पास एक जवाब छोड़ा जाए, आप और मैं मिलकर कोशिश करते हैं कि वो हमसे सवाल पूछें, उनको बताएं कि वाई की अहमियत क्या है, व्हाट की अहमियत क्या है, हु की अहमियत क्या है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम उनको उनके सवालात को एनकरेज करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे। याद रखें, तालिबे इल्म हमारे रवैयों की वजह से सवाल पूछना छोड़ देते हैं, वो हमसे डर के, हमसे खौफ खा के या किसी और वजह से हमसे सवाल नहीं पूछते, और ये उनकी इल्मी सलाहियत को तबाह कर देता है आने वाले दिनों। और ये भी जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी सवाल जो है वो स्टूपिड नहीं होता। हमारा काम यह है कि तालिबे इल्म के हर सवाल को हम इस तरह से महसूस करें कि ये बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सवाल है। दुनिया में कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता, सिर्फ जवाब स्टूपिड होते हैं। इसलिए हमें उनके सवालों को एनकरेज करना चाहिए। अगर आज उसने कम अहम सवाल पूछा है तो आने वाले दिनों में वो आपसे ताकत लेगा और आपसे पूछने में हिचकिचाएगा नहीं। और सबसे तीसरी और अहम बात, ये बहुत खास बात है जो इल्म के हवाले से हमें अपने तालिबे इल्मों को सिखाना है, कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक डिग्री एक सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं है। दरअसल हम जो चीज हासिल कर रहे हैं, जो इल्म हासिल कर रहे हैं, हमने इसकी मदद से कुछ बनाना है, हमने इसकी मदद से कुछ करना है, या हमने इसकी मदद से कोई नई चीज अचीव करनी है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसको हम जानते हैं स्टेम के नाम से, और नया जो तरीका तदरीस है उसके नाम से। अब दुनिया के अंदर हम अब तक जिस तरह से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मैंने भी ऐसे पढ़ा है और आप हम में से बहुत सारे लोग इसी तरीके तदरीस को जानते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम तालिबे इल्मों से चाहेंगे कि वो उसको याद कर लें, वो उसको पढ़े, उसको याद कर लें, और उसके बाद उसको रट्टा मार लें अच्छे से, उसके बाद वो एक इम्तहान दें, उस इम्तहान के अंदर हम कुछ सवाल पूछेंगे जिसमें जवाब उन किताबों से आएंगे, वो उन जवाब को तहरीर कर लें अपनी याददाश्त के मुताबिक। तो इस तरीके से एक लाइक तालिबे इल्म जो है वो बनता है। ये जो हमारा मानना और तस्लीम करना है, ये बहुत पुराने जमाने की बात है, इसकी वजह से हमारी तरक्की के रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि नया और बेहतर तरीका तदरीस क्या है। नया और बेहतर तरीका तदरीस ये है कि हम अपने तालिबे इल्मों को ये समझाएं, ये सिखाएं कि चीजों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, मुशाहिदा कैसे करते हैं। याद रखें, कंटेंट वही होएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये आपने और मैंने मिलकर एक नया तरीके से उन लोगों के साथ बात करनी है कि बजाय उनको किसी चीज को सबक के तौर पर देकर याद करने की बजाय, हम उस कॉन्टेंट को उनके सामने इस तरह से पेश करें कि वो ऑब्जर्व करें और उसमें से सवाल पैदा करें। अगर तालिबे इल्म उसमें से सवाल पैदा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके जवाब भी सोचेंगे, उनमें से कुछ जवाब ठीक होंगे, कुछ गलत होंगे। ये वो वक्त होता है जब एक उस्ताद बहस मैदान में आकर उस तालिबे इल्म के सवाल के जवाब तलाश करने में उसकी मदद करता है, वो कुछ तजर्बात तख्लीक करता है, वो उसके साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज प्लान करता है जिसके नतीजे में तालिबे इल्म अपने जवाब तक पहुंच जाता है। ये वो तरीका है जिसके बाद हासिल किया हुआ इल्म उस तालिबे इल्म के बाद हमेशा हमेशा रहता है। इस तरीका इल्म का एक खास फायदा यह है कि फर्ज करते हैं कि हमारे माशरे में तालीमी तौर पर 100 मसाइल हैं या 1000 मसाइल हैं, तो एक उस्ताद होने के नाते मैं 1000 मसाइल जो है उनको सिखा नहीं सकता, उनकी तदरीस नहीं कर सकता, उनकी तालीम नहीं दे सकता। मैं उनमें से चंद एक अपनी क्लास के जमाने में सिखा सकता हूँ, लेकिन सारे मसाइल का हल नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं उसको ये तरीका तदरीस समझा दूं, मुशाहिदा करना सिखा दूं, सवाल पूछना सिखा दूं, हाइपोथेसिस बनाना सिखा दूं, उसको उस जवाब तलाश करने का तरीका सिखा दूं, तो उसके सामने किसी भी तरह का सवाल आएगा वो उसका जवाब तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। एक और बात जिसे थोड़े से असातिज़ा इकराम परेशान होते हैं कि स्टेम जो है ये, इसके लिए शायद हमें को नई किस्म की ट्रेनिंग करना पड़े, और ऑफकोर्स कुछ ट्रेनिंग सेशन हुआ भी करेंगे आप, नई किस्म की ट्रेनिंग करें, क्या हमें कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हमें नए गैजेट्स चाहिए, हमें नए आलात चाहिए ये काम करने के लिए, क्या हमें नई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या कोई हमें नई किताबें चाहिए। तो याद रखें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें हमारे पास जो कंटेंट है वो गुड इनफ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी स्कूलों की लेबोरेटरियां, खास तौर पर सरकारी स्कूलों की लेबोरेटरियां जो है वो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की लेबोरेटरियों से ज्यादा अच्छी है। सरकारी स्कूलों के तालिबे इल्मों की जो तालीमी मेयार है वो तमाम प्राइवेट अक्सर प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा के नाम से जो है वो बेहतर है। हमारे पास इनमें से किसी चीज की कमी नहीं है। तो पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दें कि इसको अडॉप्ट करने का मतलब कुछ नया काम करना या कोई नई किताब या नई तालीम लेना नहीं है। इसका एक ही मतलब है और वह है जिद्दत, यानी कि इनोवेशन। हमने मुशाहिदात और सवालात की हौसला अफजाई करनी है। ये एक एटीट्यूड है जो हमने डेवलप करना है कि तालिबे इल्मों को पढ़ाते हुए, उनके साथ बातें करते हुए, हमने उनकी ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। वो सिंपल और बोंगी से बोंगी ऑब्जर्वेशन ही क्यों ना हो, हमने उनके सवालात की हौसला अफजाई करनी है। और फिर हमारे पास किताब के अंदर, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर जो भी वसाइल मुहैया है, उन वसाइल की मदद से हमने कुछ तजर्बात तख्लीक करने हैं जिससे हमारे तालिबे इल्म अपने जवाब को तलाश कर सके।
और अपने हमने उनको अपने इल्म को सिखाना है इस तरह कि हमारा इल्म कुछ सवालों के जवाब है, हमारा इल्म कुछ मसाइल को हल करता है। मैं भी आपको कुछ मिसालें दिखाता हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इल्म की मदद से हम कुछ मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। मसलन ये एक स्कूल के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया, ये एक बड़ा कॉमन सा मसला है खासतौर पर गर्मी में, खासतौर पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है लाहौर में और पंजाब में, और तालिबे इल्मों ने उस घर के एक हैड की मदद से इन कई मसाइल का और इन कई सवालों के जवाब दिए। हैड की मदद से धूप से बचा जा सकता है, इन्होंने इसकी छत के ऊपर यहाँ पर एक सोलर पैनल लगाया जिसकी मदद से ये 12 वोल्ट जनरेट करते हैं, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी किट लगाई है, ये आमतौर पर हर गाड़ी में घर में यूएसबी से जो म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल होती है, ये 100-150 रुपए की मिल जाती है, वो लगाई और इन्होंने इस 12 वोल्ट की एनर्जी को कन्वर्ट किया और उसकी मदद से यहाँ पर छोटा सा फैन भी लगाया जो फेस के ऊपर हवा फेंकता है, और एट द सेम टाइम ये हैड जो है वो मोबाइल फोन भी चार्ज करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालिबे इल्म को ये करने की ताकत देना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, और किताबों से आगे उस साइंस को इस्तेमाल करके अपनी और मेरी जिंदगी को आसान बनाने के बारे में सोचना ही दरअसल इस तरीके तदरीस का बुनियादी जो है वो हिस्सा और बुनियादी किरदार है। इसके अलावा हमें एक उस्ताद होने के नाते ये भी महसूस करना चाहिए और समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में साइंस की तरक्की की वजह से जिंदगी कितनी तेजी से तब्दील हो रही है। आपके सामने एक हेलीकॉप्टर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साहब मूवी बना रहे हैं, किसी फिल्म का सीन बना रहे हैं। आप गैस करें यहाँ पर कितने लोग जॉब कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। इस काम को करने के लिए हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोग हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर पायलट की नौकरी इन्वॉल्व है, इसके अंदर वो आदमी जो कैमरामैन है, जो कैमरा जो मूवी बना रहा है उस बंदे की नौकरी भी इन्वॉल्व है, जो आदमी इस मूवी को प्रोसेस करेंगे उसकी भी नौकरी, गर्ज के बहुत सारे लोग मिलकर एक छोटे से शॉट के लिए इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन देखें इस छोटे से गैजेट ने आकर इन सब लोगों को बेरोजगार कर दिया, यानी कि आने वाले दिनों में जो इल्म है वो बहुत तेजी से हमारा तर्ज जिंदगी बदलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के खुदा ना खास्ता बेरोजगार होने का खतरा मौजूद है। हमने अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि वो इस नए उभरते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के साथ अपने आप को हम आहंग कर सकें और अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां कर सकें कि वो आने वाले दिनों में एक अहम जो है वो पर्सनैलिटी के तौर पर हमारे मुआशरे में सर्वाइव कर सकें। ये एक मिसाल जो वे बताती है। दूसरी बात, हमारे पास अक्सर इस चीज का गिला रहता है कि हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ये कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी की वेबसाइट पे भी हैं, और हम इसको आमतौर पर मैं शेयर करता हूँ। ये कुछ मैं कोई बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा शायद टीचर भी नहीं हूँ, लेकिन ये एक मिसाल है ये आपके साथ शेयर करने की कि कभी कभी हमारे पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना साइंसी तर्ज फिक्र छोड़ दें। तो जो साइंसी तर्ज फिक्र है उसको हमें नहीं छोड़ना है, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसके मुताबिक हमें चीजों को और साइंस को आगे बढ़ाना है। याद रखिए कि जब कोई स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट किसी तजर्बे के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो इल्म जो है वो उसके पास बहुत बहुत देर तक रहता है। अगर आप किसी बच्चे को डिफ्यूजन पढ़ा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि चीजें आपस में मिक्स कैसे होती हैं, वो ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ कैसे जाती हैं, तो आप एक लंबे लेक्चर की मदद से जो भी उसको सिखाएंगे वो उसके दिमाग में शायद बहुत देर तक ना रह पाए। लेकिन अगर आप एक बार उसको ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दें अपने हाथ से, ये एक सादा सी स्याही है जिसको मैंने पानी के अंदर गिराकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से चीजें जो है महलूल के अंदर कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ जाती हैं। ये एक छोटी सी फन एक्टिविटी होगी लेकिन ये तालिबे इल्मों के दिमाग में बहुत देर तक रह जाएगी और वो असल में देख पाएंगे कि दरअसल चीजें जो है वो एक दूसरे के अंदर कैसे मिक्स होती है। इसी तरह आपने जाना होगा, आपको पता होगा कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है, जो मायात की डेंसिटी होती है, अगर वो अलग अलग हो तो वो ज्यादा डेंसिटी वाला माया नीचे होता है और कम डेंसिटी वाला माया जो है वो ऊपर होता है। ये अगर कोई तालिबे इल्म अपने हाथ में किसी टेस्ट ट्यूब में देख ले, ऐसे करके अगर वो अपने हाथों से इस चीज को देख ले, अपनी आंखों से इस चीज को ऑब्जर्व कर ले, तो ये अमल जो है उसके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए जो है वो रह जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर वाली साइड के ऊपर ऑयल है, यानी कि जो खाने का तेल है वो, और नीचे पानी है। अब जब तालिबे इल्म अपने हाथ में इस चीज को आंखों से ऑब्जर्व करता है और इसका हिस्सा बन जाता है तो वो हमेशा के लिए उन तमाम बहस से निजात हासिल कर लेता है, लंबे लंबे रट्टे मारने से निजात हासिल कर लेता है कि किस तरीके से अलग अलग मायात जो है अगर उनकी डेंसिटी अलग अलग हो तो वो अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। मैंने जानबूझ के पानी की मदद, पानी के अंदर तीन अलग अलग किस्म के सोल्यूशन बनाए, अलग अलग डेंसिटीज वाले, और फिर उनको अलग अलग लेयर्स में बनाकर दिखाया। अगर कोई तालिबे इल्म इस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व है, वो डेंस अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड बना रहा है, वो उनके अलग अलग लेयर्स को अपनी आंखों से देखेगा, तो यकीन जानिए लिक्विड्स की डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सारी उम्र आप उनके दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन कभी अगर आप, ये एक और मिसाल है आपके लिए, मैं आपको शेयर करता हूँ कि एक जगह पे मैं अपने, ये मेरी छोटी बेटी है सबसे छोटी वाली,
आपको एक एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट के साथ तालिब इल्मों के साथ शेयर करने के लिए कि अमले इनकास क्या होता है और अमले इनताफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है। इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसके लिए मुझे एक लेजर लाइट चाहिए, एक पानी का ग्लास चाहिए, और मैंने कमरे की रोशनी बंद करने के बाद जब पानी के ग्लास में लेजर लाइट को गिराया तो आप देखिए कि ये दीवार के साथ टकराकर रोशनी मुनक्स हो रही है। जो बच्चे इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होंगे वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे कि ये चीजें टकराकर फैलती हैं और उसके बाद वापस अंदर की तरफ आती हैं, कितने एंगल में आती हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली आप उनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो समझा सकते हैं। ये मैंने चंद एक मामूली से काम किए हैं, लेकिन आप इससे बेटर इनोवेशन कर सकते हैं। मैं एक स्कूल में गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं फारिग हूं तो मुझे बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका दें। ये सिंध के अंदर एक स्कूल था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास हाथ में कोई गैजेट नहीं था, मैं अकेला था, मैं और मेरी बेटी वहां से गुजरे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो मैंने इन बच्चों को बताया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरह होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं और अपनी अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। तो माया की हालतों को बताने के लिए मैंने उनके साथ ये एक्टिविटी की, मैंने उनको उनका हाथ का स्ट्रक्चर और उनकी बायोलॉजी पढ़ाने के लिए उनके बारे में एक्सप्लेन किया। ये मैं और मेरी बेटी जो है स्कूल के बच्चों के दरमियान में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बैलेंस सिखाने के लिए, उनको इक्विलिब्रियम सिखाने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स उनको करके दिखाए। याद रखें, अगर हम अपने बच्चों के साथ साइंस और इनोवेशन को इस तरह लेकर नहीं चलेंगे तो बहुत सारे लोग हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। वो जमाना चला गया जिसमें हम चीजों को मेमोराइज करके याद रख के इल्म हासिल कर पाते थे, अब हमें इल्म को तख्लीक करना सिखाना है। इसके लिए मजीद रिसोर्सेज आपको लॉर्ड्स ख्वारिज्मी साइंस सोसाइटी की वेबसाइट पर मिल सकते हैं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं, और बल्कि मेरे से ज्यादा अच्छा अच्छा लोगों ने जो है वो काम जो है इसके ऊपर कर रखा है, और आप अपना काम कर सकते हैं और अपने समझ बूझ के मुताबिक अपने लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एक्सपेरिमेंट्स है वो तख्लीक कर सकते हैं। याद रखें, एक पानी का जग, एक पानी का बर्तन अपने स्कूल के अंदर अपनी क्लासरूम में उबालने के लिए रख दें, बच्चे जब उस पानी को उबलता हुआ देखेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट को एक अलग तरीके से समझेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। इसलिए मुशाहदात की अहमियत, उनको तजर्बात में इन्वॉल्व करना, और आखिरी और अहम फर्क आपने समझना है कि इल्म को मुंतकिल करना, ये जमाना हो गया पुराना। मेरे पास एक नॉलेज है, मैंने अपने बच्चों को दे दिया, मैं डॉक्टर मुस्तफा हूं, मैंने 10 डॉक्टर मुस्तफा बना लिए, इस तरीके से हम तरक्की नहीं करेंगे। मुझे अपने बच्चों को इल्म को तख्लीक करना सिखाना है कि वो अपना इल्म बनाए, वो मुशाहिदा करे, वो अपने सवालात पैदा करे, वो मेरे से एक बेहतर इंडिविजुअल और बेहतर साइंसदान और एक टीचर जो है वो बनकर सामने। आज की आखिरी बात कंक्लूड करता हूँ इन तीन बुनियादी नुकतों पे जो मेरे सेहन के मुताबिक हमें साथ लेकर चलना चाहिए। सबसे पहली बात कि स्टेम जो है ये इल्म की तख्लीक का नाम है, ये एक जाब्ता है तालीम है, एक तरीका है तदरीस है जिसमें हम बाउंड्री से बाहर जाकर पढ़ना सीखते हैं, जिसमें तालिबे इल्म को सिखाते हैं कि फिजिक्स में रहकर केमिस्ट्री का सवाल किया जा सकता है, केमिस्ट्री में क्योंकि इनको कनेक्ट करेंगे तो चीजें बनेंगी, इनको कनेक्ट करेंगे तो माशरे के अंदर जो मसाइल है उनका हल जो है वो सामने आएगा। साइंसी मसाइल की निशानदही करें उनके साथ मिलकर, और फिर उनके साथ उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जो है वो एक्सिक्यूट करें। अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो जान लीजिए हम स्लो तो हो सकते हैं, ये हमें स्लो डाउन तो कर सकता है, ये हमें रोक नहीं सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।